दोस्तों शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के पहले एपिसोड में एक बिजनेस वूमेन अदिति मदान अपने बिजनेस के लिए फंडिंग को रेस करने के लिए इस रियलिटी शो में आई। इनका फ्रोजन मोमोज का बिजनेस है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है और ये पिछले 5 साल से इस बिजनेस को चला रही है। लोग इन्हें प्यार से मोमो मामी के नाम से भी जानते हैं। शार्क टैंक में इन्होंने शार्क्स के सामने अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हुए ये कहा कि हम सबने कभी न कभी हमारी लाइफ में हमारे घर के बने हुए खाने को और हमारा जो ऑथेंटिक खाना होता है उसे मिस किया होता है, चाहे फिर वो हमारी कॉलेज लाइफ हो या फिर कहीं हम जॉब कर रहे हैं और जिसके कारण हम हमारे घर से दूर रह रहे हैं, हमारे होम टाउन से दूर रहते हैं, और ऐसे में जो हमारा घर का खाना होता है, जो हमारा ऑथेंटिक फूड होता है, वो हमें बहुत ज्यादा याद आता है। दोस्तों अदिति मैम भी एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी जहाँ पर मोमोज थुकपा जैसी चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती है, लेकिन ये पिछले 5-6 साल से दिल्ली में रह रही थी। दिल्ली में अगर आपने देखा हो तो हर तीसरे या चौथे रेस्टोरेंट पे आपको मोमोज मिल जाते हैं, लेकिन उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो नहीं मिल पाता, जो एक घर का टेस्ट होता है वो नहीं मिल पाता, और यही सेम प्रॉब्लम अदिति मैम को भी फेस करनी पड़ती थी। जब भी ये कहीं होटल या रेस्टोरेंट में मोमोज खाने जाती थी तो उन्हें अपने घर का या ऑथेंटिक स्वाद नहीं मिल पाता था। बस इसी परेशानी को इन्होंने बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करने का सोचा और 2016 में अपने को फाउंडर नितिन और नवीन के साथ मिलकर ब्लू पाइन फूड्स की शुरुआत की, जिसमें ये फ्रोजन मोमोज के साथ साथ हिमालयस फूड को सेल करते हैं। अपने इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं और किसी भी टाइप के प्रिजर्वेटिव को यूज नहीं करते। ब्लू पाइन फूड्स के जो फ्रोजन मोमोज है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी शेल्फ लाइफ लगभग 4 मंथ तक की होती है। आज इनका ये ब्रांड 35 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के मोमोज और स्प्रिंग रोल की वेराइटीज को बनाकर सेल करता है और ये अभी तक 80,000 से भी ज्यादा मोमोज को सेल कर चुके हैं। दोस्तों ये B2C और D2C बिजनेस मॉडल को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोस्तों शार्क टैंक इंडिया में अदिति मदान ने शार्क्स के सामने अपने बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रखी, जिसके बाद शार्क्स ने इन्हें 75 लाख रुपए का ऑफर दिया एज 60% इक्विटी। इसमें अंजलि सर, विनीता मैम और अमन सर ने 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और इस डील को फाइनल किया। शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग मिलने के बाद इनका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रोथ होने लगा और आज दोस्तों ब्लू पाइन का रिवेन्यू लगभग 4 करोड़ का है और दोस्तों ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल और सक्सेस बिजनेस बन गया है। तो दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी थी अदिति मदान और ब्लू पाइन फूड्स की, किस तरीके से इन्होंने अपने इस बिजनेस को एक ग्लोबली बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।